अभी हम लोग देखे जो रॉ मटेरियल था उसको क्रशिंग करके ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद, इस रॉ मटेरियल को हम लोग अलग अलग साइलो में स्टोर कर लेते हैं। साइलो में स्टोर करने के बाद हम लोग बैच कैलकुलेशन करते हैं, और बैच कैलकुलेशन करने के बाद एक बैचिंग कार लेते हैं, और बैचिंग कार लेने के बाद वहाँ वहाँ जाके कलेक्ट करता है रॉ मटेरियल को। कलेक्ट करने के बाद रॉ मटेरियल को एक मिक्सिंग चेम्बर में भेजता है, या तो वो बॉल मिल टाइप का मिक्सिंग चेम्बर होता है, तो ये ब्लेंडिंग कहलाता है। क्योंकि सीमेंट बनने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी होना रॉ मटेरियल का ज़रूरी है। यदि रॉ मटेरियल अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो रॉ मटेरियल का जो सीमेंट की क्वालिटी है वो इफेक्ट करेगा। तो इसलिए सीमेंट की क्वालिटी हमारी अच्छी रहे, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अच्छी दे, सेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी दे, हार्डनिंग प्रॉपर्टी अच्छी दे, और क्लिंकराइजेशन बहुत इजीली हो पाए, इसलिए हमारा ये रहता है, पर्पस रहता है, हमारा टारगेट रहता है कि जो ब्लेंडिंग हो या मिक्सिंग हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। जो लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, और जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्लिन में भेजने के पहले उसको मिक्स करते हैं, तो ये ब्लेंडिंग कहलाता है। अब ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या करता है, ये हमारा लाइम स्टोन का साइलो था स्टोर करने वाला, सैंड स्टोन का, कुछ स्लैग भी यूज़ करते हैं, या जो भी और सेल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये बेल्ट कन्वेयर के थ्रू ले जाते हैं, और ये बॉल मिल के अंदर मिक्स करने के लिए दे देते हैं। बॉल मिल रोटेट करता है, और ये देखो एक सिस्टम बना हुआ है जो कि हमें कंट्रोल करता है कि कितना रॉ मटेरियल कहाँ किस साइलो से आना है। इसी सिस्टम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर यहाँ से जब रॉ मटेरियल आउटपुट निकलता है तो हम लोग XRF में डाल के इसको एनालाइज करते हैं कि कंप्लीट जो हमारा बैच तैयार होना चाहिए था उसका केमिकल एनालिसिस उतना पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि नहीं पहुंचा है तो इसको फिर हम लोग कुछ करेक्टिव रॉ मटेरियल जो कि हम लोग बॉक्साइट या सिल्का सैंड ये सब पढ़े थे, उस करेक्टिव रॉ मटेरियल्स को मिलाया जाता है, और फाइनली इसको मिला करके जिस प्रोसेस के अंदर सीमेंट को ये करना होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तीन प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस, सेमी वेट प्रोसेस और सेमी ड्राई प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोसेस करके फाइनली हम लोग सीमेंट क्लीन में इसको चार्ज कर देते हैं, और जहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्लिंकराइजेशन होता है और क्लिंकर बनाता है। तो ये हमारा ब्लेंडिंग प्रोसेस था, ये ठीक है। अब ब्लेंडिंग प्रोसेस के बाद अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है बेनिफिशिएशन। ये क्या होता है कि जो हम लोग लाइम स्टोन लाते हैं तो सारा लाइम स्टोन जो है एक ग्रेड का नहीं होता है। सारा लाइम स्टोन में ये नहीं होगा कि जो लाइम और जो इम्प्यूरिटीज बहुत कम अमाउंट में होंगे। बहुत सारे लाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर कि इम्प्यूरिटीज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग लो ग्रेड लाइम स्टोन कहते हैं। तो ऐसे लाइम स्टोन को हम लोग ऐसा तो नहीं है कि बर्बाद कर देंगे, फेंक देंगे, तो इसको हम लोग हाई ग्रेड लाइम स्टोन बनाने के लिए बेनिफिशिएशन करते हैं। और बेनिफिशिएशन के बाद ही इस रॉ मटेरियल जो लो ग्रेड लाइम स्टोन है, इस रॉ मटेरियल का यूज हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। बेनिफिशिएशन एक तरीके का सिंपली कैल्सिनेशन प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग इम्प्यूरिटीज को लाइम स्टोन से हटा देते हैं। तो बेनिफिशिएशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इस तरह का एक साफ किल्न लेते हैं जहाँ से ऊपर से लाइमस्टोन को चार्ज करते हैं, और नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। तो लाइमस्टोन में जो जो भी इम्प्यूरिटीज है, जो कार्बोनेट है, वो बर्न आउट हो के ऊपर से बाहर निकल जाता है, और नीचे से हमको जो है क्विक लाइम या प्योर लाइम मिलता है। तो ये देखिए अलग अलग टेम्परेचर पर ये प्री हीटिंग जोन है, ये बर्निंग जोन है और ये कूलिंग जोन है। तो टॉप से हम लोग चार्ज करते हैं और बॉटम में हमें प्योर क्यूक लाइम मिलता है, और इस क्यूक लाइम लाइम का यूज हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।